सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इसका अंक और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बी इज एस सी 132 का ये सवाल असाइनमेंट है। ये केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने जुलाई 2022 में एडमिशन लिया, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैं ये असाइनमेंट लेकर आई हूँ। बेसिकली आपने देखा होगा कि आपको असाइनमेंट फर्स्ट टाइम आपका एडमिशन होता है बट आपको आइडिया नहीं होता कि क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने, अभी असाइनमेंट कैसे बनाना है कुछ आइडिया नहीं होता। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप असाइनमेंट कैसे बना सकते हैं। तो आप बिना देरी करें मैं आपको इसकी पीडीएफ दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं हमारे पीडीएफ पर, देख सकते हैं आप, मतलब हमारा ये BESC 132 का पीडीएफ आ चुका है। ये 47 सवाल असाइनमेंट है जो कि जैसा कि मैंने बताया था ये 22-23 का सेशन का है। यहाँ से शुरू से लिया हमारा क्वेश्चन एंड आंसर शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारे हमारे इस वीडियो में पीडीएफ है वो हमारा जो क्वेश्चन है रेड कलर में एंड देन आंसर है ब्लैक कलर में। तो आप एक ग्रुप की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो क्वेश्चन है आपका आप ब्लैक पेन से देन आंसर को ब्लू पेन से लिखो, क्योंकि एक ग्रुप की गाइडलाइंस यही कहते हैं कि आप जो क्वेश्चन को लिखे तो ब्लैक पेन से लिखे देन आंसर को ब्लू पेन से। यदि आप किसी और अदर पेन से लिखते हैं तो फिर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं या फिर आप फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड सेकेंड आपका आता है आप अपने क्वेश्चन का जो होता है उसके ऊपर नोट्स लिखा होता है उसको ध्यान से पढ़ दे। बेसिकली लोग कर देते हैं पढ़ते नहीं डायरेक्ट आंसर कर लिखना शुरू कर देते हैं। बट आपको क्या करना है पहले आप मतलब आपको क्वेश्चन के जो नोट होता है उसको पढ़े, क्योंकि वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आप आंसर करते हो तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, देन फिर फेल होने के चांसेस नहीं होते हैं। कि और फिर क्या कहते हैं आप क्या करोगे कि डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ से आप अपने मतलब क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं एंड देन आप नोट कर रहे तो आप आराम से इजीली, मैंने आपके स्क्रीन बड़ी कर दी जिससे आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है या फिर कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा ये असाइनमेंट हमारा पीडीएफ की जो वीडियोज थी हमारी फिनिश हो चुकी है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा ये BESC 132 का जो पीडीएफ है अच्छे से, मतलब कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं कैसे आंसर्स लिखने हैं। एंड आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा एंड आपको हर एक वीडियो का अपडेशन पाना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देन लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड आपको बाकी साइट या फिर चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको माई एग्जाम सॉल्यूशन से ही आपको हर एक वीडियो का अपडेशन मिलता रहेगा। तो आप हमारे चैनल पर यूँ ही बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।